भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं सचिन ने टूर्नामेंट की पहली गेंद खेलने के लिए पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन को आमंत्रित किया, जिसने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच लिया है। बता दें, भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ISPL में सचिन तेंदुलकर के इस दयालु भाव के लिए उनकी सराहना की है। ISPL के पहले मैच में भारतीय दिग्गज और आमिर ने एक साथ बल्लेबाजी की थी। सचिन शानदार लय में दिखे, तो वहीं दूसरी ओर अभिनेता अक्षय कुमार की गेंदों पर गगनचुंबी छक्के लगे। अपने आक्रमण से पहले सचिन ने मैच के पहले ओवर में स्ट्राइक लेने के लिए आमिर लोन को आमंत्रित किया। एक दुखद घटना में पैरा क्रिकेट की दुनिया में लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनने तक आमिर हुसैन लोन की यात्रा प्रेरणा से कम नहीं है। 1990 में जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा गांव में जन्मे आमिर को 8 साल की उम्र में जीवन बदलने वाली घटना का सामना करना पड़ा। अपने पिता की आरा मशीन पर खेलते समय वो एक भयानक दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दोनों हाथ नष्ट हो गए। हालांकि इस विनाशकारी झटके ने आमिर की भावना या क्रिकेट के प्रति उनके प्यार को कम नहीं होने दिया। चुनौतियों के बावजूद भी आमिर के अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने में मदद की। अपने परिवार के समर्थन से वो आगे भी बढ़े। आमिर ने अपनी नई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार किया। क्रिकेट खेलने के लिए एक अनोखी तकनीक विकसित की, जिसमें उन्होंने गेंदबाजी के लिए अपने पैरों और बल्लेबाजी के लिए अपने कंधे और गर्दन का उपयोग किया। इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण ने उन्हें क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जिससे वो प्रदर्शित हुए कि शारीरिक सीमाएँ भी किसी भी बाधा को नहीं रोक सकती। 2013 में आमिर की प्रतिभा को तब पहचान मिली जब एक शिक्षक ने उन्हें पैरा क्रिकेट से परिचित कराया। तब से वो न केवल जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए, बल्कि इसके कप्तान भी हैं। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया और अपने असाधारण कौशल और नेतृत्व गुणों से कई लोगों को प्रेरित किया। वहीं सचिन तेंदुलकर सहित क्रिकेट के दिग्गजों का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।